है जो आंकड़े जो हम लोगों के सामने जो आए हैं, बिहार जो है सबसे अंतिम स्थान है उसका। बेरोजगारी में बिहार नंबर वन है, गरीबी में, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में बिहार जो है पूरी तरीके से नंबर वन हो चुका है। और ये आंकड़े हमारे नहीं है, उसमें बाकायदा ट्वीट में इसका जिक्र भी किया गया है। तो महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध में बिहार नंबर वन है, इन सारी चीजों में जब बिहार नंबर वन है और ये 17 साल से डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बिहार में भी, फिर भी लगातार जो है हर चीज में जो नकारात्मक चीजें हैं जिससे जनता को मुक्ति चाहिए, उससे जो है मुक्ति जनता नहीं पा पा रहे। यानी नीतीश कुमार जी पे साफ इनके सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है और ये तो आंकड़े अब सार्वजनिक हो गए। अब कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन आंकड़ों को तो झुठलाया नहीं जा सकता। जो सच्चाई है उसको हमने बात को अपना रखा है और पूरी तरीके से हम बार बार बोलते रहे हैं नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो गया, इनसे बिहार चलने वाला नहीं है, थके हुए मुख्यमंत्री हैं और जो भाजपा के लोग हैं ये लोग सत्ता के लोभी हैं, इनको जनता से कुछ नहीं लेना देना, केवल अपने को सत्ता में बैठ के मलाई कैसे खाना है इन्हीं कामों में ये लोग लगे हुए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा तो पहले का ही मामला है भाई, वो तो प्रोसीजर होता है, चार्जशीट होता है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट होता है, इसके बाद कोर्ट जो है समन करेगा, समन करा करके बिल लेना होगा। तो ये तो जो प्रक्रिया है ये तो है ही ना, इससे पहले भी कई बार किया गया है। हालांकि न्यायालय का मामला जो है न्यायालय में रखा जाता है और मजबूती के साथ हम लोग जो है अपना पक्ष रख रहे हैं।